बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू टैब को देखा था, आज व्यू टैब को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास वही है, सेम डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले है ये व्यूज़ के, व्यू के मोड जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे जो सिलेक्ट हुआ है प्रिंट मोड के, हम अगर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो किस शेप में आएगा। ये है जी हमारा जो प्रिंट में हमारा पेपर होगा, ये पेपर की आउटलाइन है, और हमारा जो कंटेंट है वो इस तरह से पेज पे प्रिंट होगा। तो अगर हम इसे रीड मोड में करते हैं, अगर आपने किसी को ये प्रेजेंट करना है तो फिर आप इस तरह इसको रीड मोड में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। रीड मोड में अब ये जो है एडिट नहीं होगा। अगर मैं इसको रेज करता हूँ तो ये एडिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रीड मोड में है। वेब लेआउट में अगर आप इसको किसी वेब पे, किसी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो ये इसका वेब व्यू ही है। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट जो, सॉरी, इसका कंटेंट जो है वो इस तरह से वेब में शो होगा। सॉरी, ये पॉइंट्स में, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ से इसका ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है, जैसे हमने ये हेडिंग्स बनी हुई थी, ये टेक्स्ट था, पैराग्राफ्स वगैरह, उनको पहले अलग अलग थे, अब वो जो है एक ही लेवल पे आ चुके हैं। तो इधर से आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। उसके बाद आप लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल 2 है, अगर लेवल 3 करते हैं तो जो लेवल 3 का टेक्स्ट होगा वही नज़र आएगा, बाकी सारे वो माइनस हो जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद है जी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी उसी तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखिए, इसमें पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट किया, बाकी सारा वो सेम ही है। जैसे अगर यहाँ पे पेज ब्रेक आ रही है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से शो हो रही है। उसके बाद है जी पेज मूवमेंट, ये वर्टिकल ही होती है। और उसके बाद शो का सेक्शन देख लेते हैं। रूलर है, इससे रूलर्स जो है वो शो हो जाते हैं। ग्रिड लाइंस, नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद जूम है, जूम डिफाइन करता है कि आपकी, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस लेवल पे जूम होगा। यहाँ से आप इसको 100, 200, 75, ये नहीं, जब ये 200 पे चला गया। अगर आप ये कोने पे देखें तो यहाँ भी ये चीज़ दी हुई है, इसको आप माइनस माइनस पे करेंगे तो ये कम होता जाएगा। ये 130 है, वो 140 हो गया। अगर आपने 135 करना है तो आप 140 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है ये 145 और ओके, ये लीजिए 145 हो गया। टेबल पेजेस आ जाएंगे साइड बाय साइड, और पेज विड्थ, जितनी एक पेज की विड्थ है उसने उतना उसको जूम कर दिया। तो हम इसको 100% पे रहने देते हैं। नेक्स्ट है जी न्यू विंडो। अगर आप सेम डॉक्यूमेंट किसी एक और विंडो में खोलना चाहते हैं तो इस पर करें, क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट वही है, इसका दूसरा वर्जन खुल चुका है। ये यूज़ किस लिए होते हैं कि आप एक ही डॉक्यूमेंट को जो है पैरेलली आपको आप एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से ये क्विज हटा देता हूँ तो आप देखिए जो इसके दूसरे पेज के दूसरे वर्जन हैं उनमें भी ये क्विज हट चुका है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो आप देखिए बाकी के जो इसके वर्जन होंगे पेज के, वो भी उनमें भी वो एडिटिंग हो चुकी है, एडिटिंग अप्लाई हो चुकी है। अरेंज ऑल से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, और
खैर फिलहाल तो मैं इनको बंद कर रहा हूँ। स्प्लिटिंग से ये एक ही डॉक्यूमेंट जो है उसके दो दो पीसीज हो जाते हैं। ये देखें, ये सेम डॉक्यूमेंट सेम है, उसके दो पीसीज हो गए। ये बिल्कुल उसी तरह है, पहले जो है वो न्यू विंडो में एक ही डॉक्यूमेंट की अलग अलग कॉपीज खुलनी थी, अलग अलग वर्जन पेज के खुल रहे थे। अब वो विंडो एक ही है लेकिन वो सेम उसी तरह वर्जन दो हैं। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये नीचे वाले में भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पैरेलली भी एडिट कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट पे करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पहली तरह नॉर्मल हो जाएगा। विंडोज़ अभी हमारे पास जो है वो तीन खुली हुई हैं, साइड बाय साइड भी करेंगे तो दो विंडोज़ आ गई हैं। और इस सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इस पर क्लिक करते हैं तो एक स्क्रॉल होगी, दो दोनों नहीं होंगी। अगर इस पर क्लिक करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो दोनों जो है वो स्क्रॉलिंग जो है उनकी सिंक हो चुकी है। रीसेट विंडोज़ पोजीशन, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो है पोजीशन मैंने ख़राब कर दी है इस तरह से, तो मैं जो है दोबारा विंडोज़ में जाके अगर रीसेट पोजीशन कर दूँ तो इनकी जो पोजीशन है वो रीसेट हो जाएगी। चलिए मैं इनको बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ये स्विच विंडोज़, क्या आपने अपनी विंडोज़ के दरमियान स्विच करना है। तो ये तो हम लोग वैसे और भी मेथड से कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग इसके ये पेज इसके फर्स्ट वर्जन पे जाने जाते हैं, सेकंड वर्जन सेकंड पे क्लिक करते हैं तो ये सेकंड आ गया। इस तरह अगर मैं फर्स्ट पे अगर जाना चाहता हूँ तो ये फर्स्ट आ गया। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Alt और Tab, इसको क्लिक करते हैं तो आपके पूरे PC में इस टाइम जितनी विंडोज़ खुली होती हैं आप उन सब में जो है मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। Alt Tab को दबाया, अभी इनको अगर इस पे जाना है, इस विंडो पे जाना है, तो इस तरह से आप विंडोज़ में स्विचिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैक्रोज। मैक्रोज होता है कि हम लोग कुछ जो है सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उनको हम लोग रिपीट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने उन स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में जो है बजाय इसके कि हम लोग उन स्टेप्स को दोबारा परफॉर्म करें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो अपना मैक्रो चला देते हैं और सारे स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, नेम इसको दे दें ABC, ओके करें। अब ये देखिए जैसे कि ये ऊपर आप अगर कर्सर को आप देखें तो ये इसका सिंबल जो है वो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल इस पर कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। वर्ड है जी होल, इसको इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, बोल्ड साइज इसका चेंज कर लेते हैं, चलेंगे बस इतना सा काफ़ी है मैक्रो। आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये जो मैंने इधर स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो मैं इस पर भी करना चाहता हूँ। अब ये तो मैंने दो तीन स्टेप्स किए हैं तो मतलब इधर इतना ये यूज़फुल नहीं है। अगर आप कोई 10-12 स्टेप्स करते हैं तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और 10-12 स्टेप्स को आप बजाय इसके कि 3-4 दफ़ा रिपीट करें आप उसको रिकॉर्ड कर लें और 3-4 दफ़ा वो मैक्रो चला दें। अब देखिए व्यू मैक्रो पे गया तो मुझे बताया एक मेरा मैक्रो वन है, एक मेरे पास ABC जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था। अगर मैं इसको करता हूँ, रन भी करता हूँ तो ये देखिए जी जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था सेम स्टेप्स उस पर अप्लाई हो गए। इसके बाद है जी हमारे पास एक लास्ट टैब है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ को आप लोग यहाँ फाइल में यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ फाइल में जाके ये इन्फो वाला टैब है इस पर भी आप लोग यहाँ से भी ये ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चले ओपन कर लेता हूँ।
प्रॉपर्टीज में अगर आपने कोई टैग लगाना है, इसका टाइटल चेंज करना है, तो यहाँ से टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये टोटल टाइम भी बता रहा है कि इतना टाइम लगा इसको एडिट करने में, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो इस एक डॉक्यूमेंट में बनाई हैं, तो इस वजह से टाइम जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। वर्ड्स इतने हैं, अगर इस पर कोई कोई डॉक्यूमेंट में कमेंट देना तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके ऑथर्स हैं, लास्ट मॉडिफाइड बाय है, शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे करते हैं तो इसका मैनेजर है, अगर आप किसी मैनेजर का नाम रखना चाहते हैं तो मैनेजर लिख दें। इसके अलावा कंपनी नेम आप यहाँ से लिख सकते हैं, हाइपरलिंक बेस्ड कैटेगरीज, स्टेटस, टेम्पलेट, ये तो है नॉर्मल, ये नॉर्मल ही रहेगी। तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये व्यू का टाइप भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।